नमस्कार। महापुराण के आज के अध्याय में मैं सौरभ राजन आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारे शास्त्रों में जीवन के लिए जिन चार वस्तुओं का महत्व बताया गया है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात धर्म के बाद जिस वस्तु का सबसे अधिक महत्व है वो है अर्थ। अर्थ अर्थात धन। धन के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप देना संभव ही नहीं। हर व्यक्ति के लिए धन के अलग अलग रूप होते हैं। कोई अपने बच्चों को ही धन मानता है, किसी के लिए उसका स्वास्थ्य उसका धन है, किसी के लिए उसके कर्म उसका धन है। रुपए पैसे तो धन है ही, शास्त्रों में धन निधि के नाम से जाना जाता है। निधि अर्थात संपत्ति। इन निधियों को 9 रूपों में बांटा गया है। ये 9 रूप हैं कच्छप निधि, शंख निधि, गौ निधि, स्वास्थ्य निधि, संतान निधि, पद्म निधि, रत्न निधि, मुकुंद निधि और कुंध निधि। ये निधियां हमारे जीवन में किसी ना किसी प्रकार से जुड़ी हैं और हमारे जीवन में हमारी सहायक होती हैं। आइए देखते हैं नारद और हनुमान के जीवन से जुड़ी ये कहानी जिनमें इन निधियों का वर्णन है। कुल मिलाकर 12 राशियां होती हैं और हर राशि का एक रत्न होता है। इन सभी रत्नों को मिलकर बनती है रत्न निधि, समझे? तो क्या रत्न निधि मनुष्य के राशिफल को प्रभावित करती है? बड़ी बड़ी शक्तियों का स्रोत है ये रत्न निधि। किंतु ये शक्ति का स्रोत हमें मिलेगा कहाँ? ये क्या प्रभु, आप तो फिर माथे की ओर देख रहे हैं। क्योंकि नारद, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे ही पास है। तो बताइए ना माते, कि हमें रत्न निधि कहाँ मिलेगी? रत्न निधि रत्नासुर राक्षस के पास है हनुमान। हाँ? इतना बड़ा शक्ति का स्रोत रत्न निधि और एक असुर के पास, क्यों माते? आंखें खोलो वत्स। प्रणाम देवी। हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो वत्स, क्या मांगते हो? यदि आप वस्तुतः प्रसन्न है देवी तो मुझे रत्न निधि प्रदान कीजिए। रत्न निधि तो हम आपको दे देंगे, किंतु 12 माह के पश्चात वो आपको हमें लौटानी होगी। अवश्य देवी, अवश्य। तथा अस्तु। धन्यवाद देवी। हुआ, मैंने पहली बार इसे छुआ। फिर क्या हुआ माते? प्रभु आप ही बता दीजिए, वैसे भी इस बात को बताने के लिए आप अधिक उत्साहित लग रहे हैं। किंतु बात क्या है प्रभु? फिर कुछ हुआ ही नहीं नारद। अर्थात? इनके प्रिय भक्त रत्नासुर के मन में लोभ आ गया है और वो रत्न निधि को लेकर कहीं गायब हो गया है। बस तब से रत्न निधि उन्हीं के पास है। किंतु वो कहाँ है? यही जानना तो आप दोनों का लक्ष्य है। जाइए और उस राक्षस से रत्न निधि को प्राप्त करके संसार में स्थापित कीजिए।
नारद मुनि और बाल हनुमान रत्न निधि की खोज में निकल पड़े। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है इंद्रदेव, कि इन दोनों को रत्न निधि मिल जाएगी? मिल भी सकती है, किंतु आप क्या चाहते हैं, कि इन दोनों को रत्न निधि मिले या ना मिले? आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं इंद्रदेव? आपके प्रश्न पर रग्निदेव। मेरे प्रश्न पर? ऐसा क्या है मेरे प्रश्न में? सीधा सा ही तो प्रश्न पूछा है इंद्रदेव। आप हमारी इच्छा जानना चाहते थे ना अग्निदेव? हाँ। क्या आप नहीं जानते कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी इच्छा का ही तो हो रहा है? आपकी इच्छा का? वो कैसे? नवनिधि की प्राप्ति के लिए जब से बाल नारद और बाल हनुमान निकले हैं, तब से कितने असुरों का वध कर चुके हैं? बहुत सारे असुरों का इंद्रदेव। यदि वो उनका वध ना करते तो किसके लिए संकट बनते? आपके लिए ही संकट होता इंद्रदेव। ओ हो हो हो, अब मैं समझा इंद्रदेव कि सब कुछ आपकी इच्छा का ही कैसे हो रहा है। एक एक करके सारे असुरों का वध जो होता जा रहा है। अब इस क्रम में अगला स्थान है रत्नासुर का। तो ये जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी इच्छा का ही तो हो रहा है अग्निदेव। सही कहा इंद्रदेव। अच्छा, बहुत अच्छा। हनुमान कुछ दिखा क्या? उसे ही देख रहा हूं, रत्नासुर को, किंतु मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुनिया, वो दूर तारा दिख रहा है, उस पर है रत्नासुर। ऐसे कौन कितने तारे होंगे आकाश गंगा में? असंख्य। और कितनी गंगाएं होंगी? असंख्य। और हर आकाश गंगाएं में ऐसे कितने ग्रह होंगे? अरे बाल हनुमान, अब कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ऐसे हम उस असुर को पूरे ब्रह्मांड में ढूंढेंगे क्या? बात तो आपकी सही है बाल हनुमान, किंतु वो कहीं पर भी हो सकता है। वो तो कहीं भी हो सकता है, किंतु होना कहाँ चाहिए? असुर है तो असुर के ही धरती पर होना चाहिए, अर्थात पाताल लोक। वहीं चलते हैं। मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं मिला? कैसे मिलूंगा जब तक चाहूं ना। रत्नासुर की छवि भी रत्नासुर को नहीं ढूंढ सकती जब तक खुद रत्नासुर न चाहे। ये रत्न, ये धन, ऐश्वर्य, इतना सब कुछ प्रदान करने वाली रत्न निधि को कोई लौटाता है क्या? लेकिन वो दो बालक? कुछ नहीं कर सकते वो दो बालक। स्वयं विष्णु और लक्ष्मी मुझे नहीं ढूंढ पाए तो वो दो बालक क्या ढूंढेंगे? चुआ। ये रत्न निधि देख रहे हो?
समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है इसमें, समस्त तारों और ग्रहों की शक्ति को अपने वश में रखती है ये। और वो तो बालक इस रत्न निधि के स्वामी को परास्त करने चले हैं। वो ये जानते नहीं कि मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। भी क्या करे थे बाल हनुमान, अब और नहीं चला जाता। मैं तो कहता हूँ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। मुनिवर एक बार रत्नसूर को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद विश्राम करेंगे। बाल हनुमान तब तो जीवन भर का विश्राम हो गया। अरे जिस असुर को प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी ही नहीं ढूंढ पाए, उसे बोला हम दोनों कैसे ढूंढ लेंगे। हाँ, चलिए इसी से पूछ लेते हैं। अरे बाल हनुमान, आधा पाताल लोग छान लिया किंतु कोई नहीं मिला जिसे पूछ सके। ऐसा लगता है हमें देखकर सब कहीं छिप बैठे। मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ देर विश्राम कर लीजिए। अरे जिस असुर को वर्षों से नहीं ढूंढ पाए, कुछ पल और ना मिले सही। मुनिवर क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बाल हनुमान, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये जो भी सारंगी बजा रहा है उसे सुरताल का कोई ज्ञान नहीं है। मुनिवर सुरताल ना सही किंतु रत्नासुर का ज्ञान तो होगा। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए कहा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। राम जी का संदेश लेकर जब हनुमान जी सीता मैया के पास लंका पहुंचे तो सीता मैया ने उन्हें वरदान दिया कि हनुमान जी अपने भक्तों को नौ निधियां प्रदान कर सकते हैं। सीता मैया ने यह वरदान यूं ही नहीं दे दिया, वास्तव में पुराणों में सीता मैया को लक्ष्मी जी का अवतार कहा गया है। धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी की हम सब पूजा करते हैं। इनकी उत्पत्ति की एक बहुत ही रोचक कथा है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक पर कब्जा कर लिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब देवता असुरों को नहीं हरा पाए तो उन्होंने विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने कहा कि किसी भी तरह से असुरों से मित्रता कर लो और उन्हें समुद्र मंथन के लिए मना लो, तुम्हारी जीत का उपाय उसी में से मिलेगा। इसी समुद्र मंथन से नौ रत्न निकले, जिनमें से एक लक्ष्मी जी भी थी। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपने पति के रूप में चुना। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की यह कहानी मात्र कहानी नहीं है, इसका एक अर्थ भी है। इससे हमें धन कमाने और धन के उद्देश्य का पता चलता है। समुद्र मंथन अर्थात कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी शुरुआत में कभी कभी विष की प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु निरंतर मेहनत करते रहने से लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का चयन किया। विष्णु अर्थात संसार के पालनकर्ता। अगर हम कमाए गए धन का प्रयोग लोगों के लिए करें, जिसको जरूरी है उसके लिए करें, तो जिस प्रकार से लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ हर अवतार में उनके साथ होती हैं, वैसे ही ऐश्वर्य और धन हमारे साथ रहेगा। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। बाबा
क्या है, क्यों उंगली ला रहे हो? आप सारंगी गलत बजा रहे हैं। तुम मुझे सारंगी बजाना सिखाओगे? अरे बाबा, आप कहे तो मैं आपको वीणा बजाना भी सिखा दूं। बालनवान बताइए नैने, मैं कैसी वीणा बजाता हूँ? जाने दीजिए ना मुनियर, हाँ सारंगी से क्या? अरे बालनुमान, बात सारंगी की नहीं है, बात है संगीत की। आज ये बाबा सारंगी गलत बजा रहे हैं, कल कुछ और गलत करेंगे। बाबा आप मुझे अपनी सारंगी दे, मैं आपको बताता हूँ कैसे बजाते हैं। अरे बस बस, जो पूछने आए हो पूछो और निकलो। हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। और यहाँ क्यों आओगे तुम? सारंगी की समझ तो तुम्हें है नहीं, तो क्या सारंगी सुनने आते? कहो यहाँ क्यों आना हुआ? हम वो रत्नासुर को ढूंढ रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? रत्नासुर नाम का यहाँ पे कोई असुर नहीं। बाबा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रत्नासुर हो जिसके बारे में आपको ज्ञात न हो। अच्छी तरह जानता हूँ, सारंगी बजाना भी और पाताल लोक को भी। यहाँ कोई रत्नासुर भी नहीं है और उसका महल भी नहीं है। महल? कहाँ है उसका महल? उधर है महल। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उधर तो कोई पुराना खंडर है, महल तो उस ओर है। वहां जाके अपने संतरासुर या वो रत्नासुर को ढूंढ लो। चलिए मुनिवर उस ओर देखते हैं। प्रणाम बाबा। बाबा सारंगी चलिए। मुझे सारंगी सिखाने चले थे, अब देखना कैसे मैं इन्हें पाताल के चक्कर कटवाता हूं। मुझे आज तक किसी ने नहीं चुआ। प्रभु इस रत्नासुर को अभी तक कोई नहीं खोज पाया, तो क्या हनुमान और नारद उसे खोज पाएंगे? अपने काल से कभी कोई छुप पाया है देवी? तो क्या रत्नासुर का काल आ गया है? वो तो कभी ना कभी आएगा ही। तो संभवतः प्रभु वो तो अपने काल से भी छिप जाएगा। अब तक रत्नासुर छिपा रहा, वो भी हमारी ही इच्छा से, और अगर वो मिल गया तो भी हमारी ही इच्छा से। वाह प्रभु वाह, किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भूल गई देवी विधि का विधान? प्रभु किंतु ये कैसा विधान है? विधि का विधान भी हमारी ही इच्छा है देवी। विधि का विधान आपकी इच्छा से है और आप विधि के विधान की इच्छा से? प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देवी ये व्यवस्था समझने के लिए नहीं, अनुसरण करने के लिए है। होता वही है जो विधि का विधान होता है, किंतु रत्नासुर जैसे मूर्ख अपने को ही सर्वोपरि समझ लेते हैं। बालनुमान हम तो पातालों के छोर पर आ गए हैं, लगता है हमारा मार्ग गलत हो गया है। पर उस सन्यासी ने तो यही दिशा बताई थी। जिसे सारंगी का सुर ताल ना पता हो उसे दिशाओं के बारे में क्या पता होगा? अब क्या करें मुनिवर? अब तो प्रभु ही हमें कोई मार्ग बताए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नारायण नारायण। Ha 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 ha
रत्नासुर को ढूंढने चले हैं मूर्ख। रत्नासुर की परछाई ढूंढ कर दिखा दें। और अगर ढूंढ भी लिया तो भी क्या कर लेंगे? मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। रत्नासुर रत्न निधि का स्वामी है। एक बार रत्नासुर सारे तारामंडल सारे ग्रह की शक्ति को ग्रहण कर ले, उसके बाद कौन रोक पाएगा रत्नासुर को? मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। प्रभु ने हमें मार्ग दिखा दिया है, अर्थात रत्न निधि का संबंध ग्रहों और नक्षत्रों से है ना, तो निश्चय ही ये टूटे हुए तारे रत्न निधि की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि रत्नासुर रत्न निधि का प्रयोग करके सभी ग्रह और नक्षत्रों की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। हमारे पुराणों में लक्ष्मी जी के दो वाहन बताए गए हैं, एक तो हाथी और दूसरा जगत प्रसिद्ध उल्लू। लक्ष्मी जी की सवारी आम तौर पर हाथी ही बताई गई है। हाथी अर्थात शांत चित्त और मेहनती प्राणी। इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी जी के आगमन के लिए हाथी जैसा स्वभाव होना आवश्यक है, किंतु उल्लू जग सामान्य उल्लू को अशुभ मानता है, किंतु हमारे पुराणों में उल्लू को अशुभ या मूर्ख नहीं माना गया है। हर देवी देवता का वाहन पशु या पक्षी ही होता है और हर वाहन किसी ना किसी बात का प्रतीक होता है, और विशेष देवी देवता को किसी विशेष पशु पक्षी से जोड़ने के पीछे भी कोई कारण होता है। उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो रात के अंधेरे में देख सकता है। रात के अंधेरे को शास्त्रों में अज्ञानता का प्रतीक माना गया है, और जो अज्ञानता में भी ज्ञान की किरण को देख ले वो उल्लू ही हो सकता है। और इसी के साथ उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो अपना सर पूरा पीछे घुमाकर देख सकता है, अर्थात उसके जैसा चौकन्ना प्राणी दूसरा कोई और नहीं। इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए चौकन्ना रहना और साथ ही हर निर्णय के हर पहलू पर दृष्टि रखना अनिवार्य है। तो उल्लू इतना भी उल्लू नहीं है। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। रत्नासुर को ढूंढने चले हैं मूर्ख। वो जानते नहीं कि मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ।
नारायण नारायण मुनि व शिक्षिता से अनिता और रत्न से समस्त आकाश को नक्षत्रों से रिक्त कर देगा। जिस गति में ये तारे गिर रहे ना बालनमान, मुझे नहीं लगता इसके पश्चात आकाश में कोई भी तारा बचेगा। और जो बचना होगा वो आपकी गति के कारण नहीं बचेगा। अब बालनमान, इससे शीघ्र तो तभी मुमकिन है जब रत्नासुर स्वयं तारों की गति से अपनी ओर खींच ले। बालनमान, आप जब जब मुस्कुराते हैं मुझे बहुत डर लगता है। आप क्या सोच रहे बाल हनुमान, बताइए क्या सोच रहे आप? वही जो आप सोच रहे हैं, यदि रत्नासुर स्वयं अपनी ओर हमें खींच ले तो? नहीं नहीं बाल हनुमान, कह दीजिए कि आप ये नहीं करेंगे बाल हनुमान, नहीं। मार डाला बाल हनुमान, अब वो असुर रत्नासुर मेरा क्या बिगाड़ेगा, आप ही ने मुझे मार डाला। मुनिवर धीरे बोलिए, रत्नासुर कहाँ है? रत्नासुर हो रहा, कहाँ हो रहा? रत्नासुर मनुज नहीं बलवान, समय हो तो बलवान। वाह, आपने सत्य कहा था प्रभु, इस मूर्ख ने तो स्वयं ही खुद को उजागर कर दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी तक तो ये छिपा हुआ था किंतु प्रभु अब तो ये सबके सामने आ गया है और उजागर भी हो गया है। लेकिन प्रभु इसके माथे पर तनिक भी चिंता की रेखा नहीं। दंभ रत्न निधि के कारण, रत्न निधि के घमंड के कारण। घमंड कैसा? देवी, घमंड मूर्खता पूर्ण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि सभी ये जानते हैं फिर भी सभी घमंड कर बैठते हैं। किंतु इसे किस बात का घमंड है प्रभु? रत्न निधि द्वारा अर्जित समस्त ग्रहों और नक्षत्रों की शक्तियों को इसने प्राप्त किया है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा ये नारद और हनुमान को पराजित करने का स्वप्न देख रहा है। तो क्या ये नारद और हनुमान को परास्त कर देगा? समस्त ग्रहों और नक्षत्रों की शक्तियों के आगे तो नारद और हनुमान भी टिक तो नहीं पाएंगे। रत्नासुर, माता लक्ष्मी द्वारा प्रदान रत्न निधि हमें लौटा दो और उसके बदले हम तुम्हें जीवित छोड़ेंगे। नारायण नारायण, तुम दोनों मुझे जीवित छोड़ोगे? हाँ सुनो बालकों, तुम दोनों तो मुझे जीवित छोड़ दोगे लेकिन रत्नासुर तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे आज तक किसी ने नहीं छुआ। हो गया रत्नासुर, अब बाल हनुमान की शक्ति देख। बाल हनुमान कर दो इसका अंत। Thank you.
प्रभु, रत्न निधि को तो हनुमान और नारद वापस ले आए, किंतु हमें एक बात समझ में नहीं आई। आपने हमें कहा था कि समस्त ग्रहों और नक्षत्रों की शक्ति के सामने निश्चय ही हनुमान और नारद रत्नासुर के समक्ष टिक नहीं पाएंगे। हाँ, अवश्य कहा था देवी लक्ष्मी। तो प्रभु, हनुमान ने रत्नासुर का अंत कैसे किया? आपके इस प्रश्न का उत्तर मुनिवर नारद देंगे। इस प्रश्न का उत्तर बाल हनुमान देंगे। ऐसा इसीलिए देवी, वो मूर्ख नक्षत्रों की शक्ति कहाँ ग्रहण कर पाया? उससे पूर्व ही वो हमसे टकरा गया और हमसे वाद विवाद में उलझ गया और नक्षत्रों की शक्ति करना भूल गया। तो विलंब किस बात का देवी? रत्न निधि को स्थापित कर इस संसार का कल्याण करें। अवश्य नारद। आप दोनों अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? किंतु प्रभु, हम तो अभी अभी आए हैं। तो क्या हुआ, जाइए, संसार आपकी राह देख रहा है। अभी तो आप दोनों को कुंद, मुकुंद और पद्म निधि को भी स्थापित करना है। किंतु प्रभु, वो तो देवी, किंतु परंतु कुछ नहीं, अभी तो केवल कुंद, मुकुंद और पद्म निधि को स्थापित करना है। जाइए आप लोग, जाइए। जो आगे प्रभु। हमें पता है आप क्या जानना चाहती हैं। यही ना कि कुंद, मुकुंद और पद्म निधियां तो आपके पास हैं, तो फिर मैंने इन्हें कहां भेज दिया? और क्यों भेज दिया? बिना परिश्रम के पाए हुए फल का कोई मोल नहीं। ठीक उसी प्रकार बिना अर्जित किए हुए ज्ञान का कोई लाभ नहीं और बिना परीक्षा पार किए निधि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि कुंद, मुकुंद और पद्म निधियां आपके ही पास हैं देवी, तो इनकी परीक्षाएं भी आपको ही लेनी है देवी। अवश्य प्रभु, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। लक्ष्मी जी का जो रूप हम मूर्तियों और चित्रों में देखते हैं, उनमें उनके चार हाथ होते हैं। एक हाथ से धन की वर्षा होती रहती है, दो हाथी उनका जल अभिषेक कर रहे होते हैं और वो कमल के फूल पर विराजमान दिखाई देती हैं। लक्ष्मी जी का ये रूप प्रतीकात्मक है। पुराणों में इस रूप की चर्चा बहुत ही विस्तृत रूप से की गई है। जैसे एक हाथ से धन की वर्षा होने का अर्थ ये है कि आपको कमाने के साथ साथ जरूरतमंदों में बांटना भी चाहिए। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। अरे शीघ्र कीजिए, क्या हुआ मनेर? आज आप बड़े उत्साहित लग रहे हैं। हाँ बाल हनुमान, ये तीनों निधियों को प्राप्त करना मेरे लिए अति आवश्यक है। आपके लिए? किंतु आप तो संसार कल्याण के लिए नवनिधि प्राप्त करने चले थे ना? चला तो था बाल हनुमान, किंतु अब इस संसार का मैं भी तो एक भाग हूँ ना। इस संसार के साथ साथ यदि मेरा भी भला हो जाए तो आपका क्या भला? और कुछ नहीं बाल हनुमान, बस मैं पुनः बड़ा होना चाहता हूँ। इतने निस्वार्थ कार्य के लिए इतने स्वार्थपूर्ण विचार, क्या अपना आकार वापस पाने की इच्छा रखना स्वार्थ है बाल हनुमान? अवश्य। क्या अपने ही कोई वस्तु ढूंढना स्वार्थ है? निसंदेह। यदि ये स्वार्थ है तो है, इतना भी निस्वार्थ ही नहीं हूँ मैं। लगता है उस और को स्त्री रो रही है। चलिए चलकर देखते हैं। हाँ। वहां पर चलिए। रुक जाइए माता। हाँ।
मुनिवर इसे देख के आइए। क्या करने जा रही थी देवी? मृत्यु, मर जाने दीजिए मुझे मेरे पुत्र के साथ। आप नहीं जानती देवी कि इस तरह आत्मदान घोर पाप है। पाप और पुण्य में कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती कि मैं मेरे पुत्र के प्राण नहीं बचा सकी। इसकी मृत्यु की उत्तरदायी स्वयं मैं हूँ, इसीलिए मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हम आपके पुत्र की बातें नहीं है माताई? पुत्र की बातें हो, किंतु मेरा पुत्र, मेरा पुत्र तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मैं जी कर भला क्या करूँगी? हम आपको ये घोर पाप कदापि नहीं करने देंगे। ठीक है, आप मुझे रोकें, किंतु मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कब तक रोकेंगे और कैसे रोकते हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं माते? जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। जिसके लिए आप रो रही हैं, वो तो मात्र एक शरीर है। सत्य कहा बालमुनि आपने, ये शरीर एक मिथ्या है। इसीलिए इस मिथ्या को दूर कर अपनी आत्मा को मुक्त करने जा रही हूँ। तब तो मुझे मेरे बालक से कोई दूर नहीं कर पाएगा ना, कोई दूर नहीं कर पाएगा मुझे मेरे बालक से, कोई दूर नहीं कर पाएगा मेरे पुत्र से। मुनिवर, पुत्र मुंह में छुट्टी हुई माता है ये तो एक पुत्र से हमारी बातें नहीं मानेगी। तो फिर कैसे मानेगी बाल हनुमान? अब तो एक ही मार्ग है मुनिवर। क्या बाल हनुमान? हमें इनके पुत्र को पुनः जीवित करना होगा मुनिवर। या क्या कह रहे बाल हनुमान? यदि हमने आज इन्हें बचा भी लिया तो कल ये अपने फिर प्राण त्यागेगी। एक निराश माता को बचाने का और कोई मार्ग नहीं दिखता है मुनिवर। मुझे तो ये भी मार्ग नहीं दिख रहा बाल हनुमान। हम भला किसी को पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं? इनके पुत्र के मृत शरीर में आत्मा का पुनः प्रवेश कराकर। और कैसे होगा ये प्रवेश? इनके पुत्र की आत्मा पुनः कैसे वापस आएगी? इनके पुत्र की आत्मा नहीं आएगी मुनिवर। हैं? तो फिर नहीं, नहीं बाला हनुमान, ये संभव है। अब केवल यही संभव है मुनिवर। किंतु इसके लिए तो आपको अपने प्राण त्यागने होंगे बाला हनुमान। किंतु इसके लिए तो आपको अपने प्राण त्यागने होंगे बाला हनुमान। यदि मेरे अकेले के प्राण त्यागने से दो जीवन बचते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा मुनिवर? यदि यही एकमात्र मार्ग बचा है तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं मुनिवर, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि केवल आप ही अपने मंत्री योग से इसे सिद्ध कर पाएंगे। माता, अब आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाल मुनि अपने मंत्र योग से आपके पुत्र को पुनः जीवित कर देंगे। क्या क्या कहा आपने? क्या ये संभव है? मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा? बोलो बालक, ये संभव है? मुनिवर कुछ कहिए ना। हाँ हाँ देवी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो उठेगा। मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। हाँ, हाँ,
मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा मेरा पुत्र। ये क्या उन्हें? आपने माता के पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा पाल हनुमान। नारद, हनुमान, आपने एक असहाय स्त्री के कष्ट दूर करने के लिए जिस निस्वार्थ भाव से अपने प्राण त्याग दिए, इन निधियों को प्राप्त करने के लिए उसी निस्वार्थ आचरण की आवश्यकता होती है। आप दोनों अपनी परीक्षा में सफल हुए। तो माते, अब आप ही इन निधियों को संसार में स्थापित करें। अवश्य नारद। हनुमान, नारद, नवनिधियों की संसार में स्थापना कर आप दोनों ने ऐसा कार्य सिद्ध किया है जिससे आने वाले अनंत वर्षों तक पूरा संसार आपको युगो युगो तक धन्यवाद देता रहेगा। प्रभु, ये सब आप ही के तो आशीर्वाद का फल है। क्यों बाल हनुमान? अवश्य मुनिवर। आज लक्ष्मी जी के बारे में बताने का विशेष प्रयोजन ये है, माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये व्रत महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों में पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। और क्योंकि लक्ष्मी जी को सुख, शांति, ऐश्वर्य की देवी माना जाता है, इसीलिए मान्यता है कि इस व्रत को रखने से घर में सुख एवं शांति आती है। आज के अध्याय में बस इतना ही। कल आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी सौरभ राज जैन को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।